नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन को लेकर बिहार पुलिस दिखी सख्त, अब हर जिले में तैनात होंगे नोडल पदाधिकारी। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। आईपीएल के बचे हुए मैच को लेकर आईपीएल के चेयरमैन ने जारी किया अपना बयान। एसबीआई ग्राहकों के लिए अहम सूचना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती के मुख्य परीक्षा के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग ने इस भर्ती के तहत 553 रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। आयोग के नोटिस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी एपीओ भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 12/5/2021 से शुरू होंगे। अभ्यर्थी 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार में कोविड 19 के मिले 14,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 14,836 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,13,479 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 184, अरवल में 143, औरंगाबाद में 444, बांका में 122, भागलपुर में 373, बेगूसराय में 477, भोजपुर में 109, बक्सर में 87, दरभंगा में 164, ईस्ट चंपारण में 224, गया में 587, गोपालगंज में 305, जमुई में 281, जहानाबाद में 105, कैमूर में 124, कटिहार में 570, खगड़िया में 273, किशनगंज में 221, लखीसराय में 80, मधेपुरा में 247, मधुबनी में 385, मुंगेर में 380, मुजफ्फरपुर में 574, नालंदा में 671, नवादा में 129, पटना में 2420, पूर्णिया में 333, रोहतास में 174, सहरसा में 359, समस्तीपुर में 635, सारण में 528, शेखपुरा में 631, शिवहर में 114, सीतामढ़ी में 204, सिवान में 219, सुपौल में 362, वैशाली में 857, वेस्ट चंपारण में 655 मामले सामने हैं। इसके साथ ही 86 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 11,726 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,22,210 पर पहुंच गई है। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर बीते दिन हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में सीएम नीतीश ने 7 बिंदुओं पर निर्देश जारी किया। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरतों का आकलन कर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करें। ऑक्सीजन जनरेशन के लिए रीफिलिंग प्लांट, बॉटलिंग प्लांट, टैंकर की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए सरकारी राशि भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी मेडिकल अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाएं, मरीजों की दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित कराना है। अब निजी अस्पतालों को खरीदना होगा वैक्सीन। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच टीकाकरण की रफ्तार बिहार में धीमी नजर आ रही है। 1 मई से बिहार समेत पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका देने की तैयारी शुरू हो जानी थी, लेकिन बिहार सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से निजी अस्पतालों के लिए एक और फरमान जारी किया गया है। खबरों की माने तो 1 मई से निजी अस्पतालों को मुफ्त में सरकार की तरफ से टीका मुहैया करवाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिसके बाद अब निजी अस्पतालों को टीका मुहैया करवाने के खुद ही खरीदना पड़ेगा, जिसके बाद अब निजी अस्पताल को इसके लिए उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों से टीका खरीदना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का जारी किया आदेश। कोविड 19 की लगातार बढ़ रही परिस्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरद ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को कोई हल्के में ना ले, इसकी गंभीरता को हर कोई समझे। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी जरूरतमंद को ई पास लेने में कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से यह निर्गत हो, इसे सभी डीएम सुनिश्चित करेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रभावित ना हो, इसका भी पूरा ख्याल सभी डीएम रखें। इसके साथ ही बिहार के अलग अलग जगहों पर कई चेक पोस्ट भी बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शादी विवाह जैसे खुशी के आयोजन को हटाने की गुजारिश। बिहार में कोविड 19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिसके बाद अब जान गंवाने वालों की संख्या सैकड़ों में मिल रही है, जिसके बाद ही लॉकडाउन का फैसला जारी किया गया है। वहीं अब इसी बीच बिहार सरकार की तरफ से शादी विवाह जैसे समारोह पर रोक तो नहीं लगाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से व्यक्तिगत अपील की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगह के लोग जुड़ते हैं, इसे यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी, यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा।
अब लोगों को इस आधार पर मिलेगा मुफ्त राशन। बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा के बाद मई महीने में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की तैयारी हो रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के सचिव विनय कुमार की माने तो पॉश मशीन या फिर आई स्कैनर कर ही अब यह मुफ्त राशन बांटने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी पीडीएस दुकानदारों को आंखों की पहचान कर अनाज देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून महीने का राशन मुफ्त देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की जताई गई संभावना। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके तहत बिहार के जिन भी जिलों में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश होने की संभावना दिख रही है और खास करके येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, पटना, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया जिले के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल की। अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 1954 को हुआ था। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन है। इतना ही नहीं, अनिल अग्रवाल 2017 ICC में आईफा ग्लोबल बिजनेस फोरम का हिस्सा भी बने थे। अनिल अग्रवाल का जन्म राजधानी पटना में हुआ था। वहीं उन्होंने पटना से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पिता भी एक उद्योगपति ही थे जिनका काम एल्यूमिनियम के कंडक्टर बनाने का था। हालांकि अनिल अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में ही पटना को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो मुंबई रवाना हो गए थे, जहां पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। स्पर्श के जरिए कोविड-19 संक्रमित रेल कर्मी और उनके परिजनों का होगा इलाज। कोविड-19 के लगातार बढ़ते माहौल के बीच लोगों की सेवा में लगे कर्मियों की मदद के लिए सरकार अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। इसी क्रम में रेल कर्मी और उनके परिवारजनों के लिए भी सरकार ने अहम दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत इलाज के लिए विशेष रूप से स्पर्श ऐप की शुरुआत की गई है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस एप्लीकेशन का लोकार्पण कर दिया है। इस एप्लीकेशन से रेल कर्मी और उनके परिवारजन पटना जंक्शन से केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय एवं सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंडलीय अस्पताल में रूटीन चेकअप, ओपीडी सेवा, कोविड-19 टीके के लिए अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे बैठे करवा सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर बिहार पुलिस दिखी सख्त। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन का फैसला आखिरकार जारी कर दिया गया, जिसके बाद बीते दिन पुलिस भी काफी ज्यादा सख्त दिखी। इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 7 लोगों पर कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जबकि 448 गाड़ियों को जब्त कर दिया गया है। वहीं वाहन मालिकों से 7,97,200 रुपये फाइन के रूप में वसूला गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिसके कारण अब जाकर के सरकार ने पाबंदियों को लागू कर दिया है। अब आसानी से करें ई पास के लिए अप्लाई। अब आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना ई पास बनवा सकते हैं। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पास बनवाने के लिए एक सर्विस onlinebihar.gov.in सभी अनिवार्य सूचना इसी वेबसाइट पर जाकर आपको भरनी होगी। आपका नाम, पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, आपके वाहन की पूरी जानकारी, कहां जाना है और क्यों जाना है, किस जगह से किस जगह तक जाना है और कब से कब तक जाना है, आपके वाहन में उपस्थित रहने वाले यात्रियों की संख्या, इसके अलावा आपके घर के किसी सदस्य ने पिछले 3 महीने में विदेश यात्रा की है या नहीं, घर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी पूरी जानकारी, बिहार के बाहर यात्रा करने वाले घर के किसी भी सदस्य के पिछले 3 महीने की जानकारी आवेदन भरने के समय आपको देनी होगी। इसके साथ ही आवेदन भरने के बाद एक बार फिर उसे अच्छी तरह से चेक कर जरूर करें और उसके बाद जरूरी अटैचमेंट भी उसमें डाल दें। उसे अटैच भी आपको करना होगा। उसके बाद आप सबमिट बटन दबाएं, जिसके जरिए आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पास जारी होने की सूचना आपको रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर एक लिंक के जरिए प्राप्त होगी। बिहार में 7 साल बाद ऑटो का नया किराया हुआ तय। परिवहन विभाग ने 7 साल बाद ऑटो का नया किराया तय कर दिया है। पेट्रोल ऑटो रिजर्व बुक करने पर 2 किलोमीटर के लिए 18 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 9 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। शेयर्ड ऑटो में पहले 2 किलोमीटर के लिए 4.80 पैसे प्रति व्यक्ति और इससे अधिक सफर करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा। वहीं डीजल ऑटो में मीटर लगे होने या फिर रिजर्व करने पर 2 किलोमीटर के लिए 14.40 पैसे जबकि इससे ज्यादा सफर करने पर 7.20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा। वहीं शेयर डीजल ऑटो में पहले 2 किलोमीटर का किराया 4.80 पैसे जबकि इससे ज्यादा सफर करने पर 2.40 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा।
लॉकडाउन के कारण बिहार में विकास की रफ्तार हुई धीमी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद बिहार में विकास की रफ्तार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी सेतु और कोइलवर पुल सहित करीब 400 सड़क परियोजनाओं के निर्माण में देरी होगी। वहीं अपने ये तय समय पर पूरे नहीं हो सकेंगे। इसका कारण पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मियों सहित बड़ी संख्या में मजदूरों को संक्रमित होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार इन सड़क परियोजनाओं में करीब आधा दर्जन मुख्य सड़कों का निर्माण इस साल पूरा होना था। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कोरोना संक्रमण खत्म होते ही सड़क निर्माण से जुड़ी करीब 400 परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। इस गांव के मुखिया के गुजर जाने पर गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर किया अंतिम संस्कार। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के सिरबिट पंचायत के मुखिया शिवमूरत मुसहरडे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जिसके बाद उनके गांव वालों ने उन्हें खास अंदाज में अंतिम संस्कार दिया। स्थानीय लोगों की माने तो परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। ग्रामीणों ने मानवता दिखाते हुए चंदा इकट्ठा करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि शिवमूरत मुसहर काफी मिलनसार थे, लोगों की मदद करते थे, उनकी जिंदगी परोपकार के लिए ही जैसे बनी थी। वो लोभ लालच से दूर रहा करते थे, तभी तो जहां एक तरफ अन्य मुखिया पैसों और ऐशो आराम करते थे, वहीं दूसरी तरफ शिवमूर्त के परिवार वाले पैसे के मोहताज हैं। SBI ने ग्राहकों के लिए जारी की अहम सूचना। कोविड-19 के माहौल में लगातार ऑनलाइन ठगी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए SBI ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेबिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, CVV और OTP जैसे नंबर किसी के साथ भी शेयर न करें। इसके अलावा SBI, RBI, सरकार ऑफिस, पुलिस और KYC अथॉरिटी के नाम पर जो फोन कॉल आते हैं उनसे सावधान रहे। इसके अलावा फोन पर किसी के कहने से कोई भी ऐप या फिर कोई सोर्स के जरिए कोई ऐप अपने फोन में डाउनलोड ना करें। अनजान लोगों की तरफ से भेजे गए मेल और मैसेजेस में किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा किसी भी तरह से फेक ऑफर्स जो कि आपको सोशल मीडिया या फिर मैसेजेस और फोन पर मिलते हैं उनसे सावधान रहे। राहत कोष में बिहार को इस साल मिली इतनी राशि। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बिहार को राहत कोष में मिली राशि का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अमूमन जून के अंत तक जारी की जाने वाली राज्य आपदा राहत कोष की 8,876 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। राहत कोष में बिहार को इस साल 566 करोड़ दिए गए हैं। राज्यों को पहले 40%, जबकि इस बार 50% तक राशि कोविड के मुकाबले ऑक्सीजन जनरेटर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा आदि पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावहता के मद्देनजर खर्च की सीमा बढ़ाकर 70% तक करने की केंद्र सरकार से अपील की है। MLA और MLC फंड काटे जाने पर तेजस्वी ने CM नीतीश को लिखा पत्र। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आदेश जारी करते हुए MLA और MLC फंड से 2-2 करोड़ की राशि कटौती करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एक पत्र भी जारी किया है। राशि कटौती पर सवाल करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महामारी में जरूरतमंदों को सहायता करने के बजाय नीतीश सरकार का ध्यान संशोधन की संपूर्ण लूट पर केंद्रित है। पिछले साल भी विधान पार्षद और विधायकों को आवंटित राशि से सैकड़ों करोड़ निकालकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था। आज तक सरकार ने नहीं बताया कि उस धनराशि का कहां सकारात्मक उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष बिहार में कोरोना जांच किट, और क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कैसी खुली लूट हुई थी। लॉकडाउन की गाइडलाइन में हुआ मामूली संशोधन। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन की गाइडलाइन में बीते दिन संशोधन किया गया है, जिसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय और गतिविधि और होटल व्यवसाय को छूट दी गई है। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण की तरफ से प्रकाशित की गई खबर के अनुसार होटल संचालन को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों को भी अपवाद स्वरूप छूट दी गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय के संचालन करने की छूट दे दी गई है। जेल से बाहर आते ही एक्टिव मोड में दिखे लालू प्रसाद यादव। जेल से रिहा होने के बाद लालू प्रसाद यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लालू यादव ने अपने विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। वहीं राजद की तरफ से यह भी कहा गया है कि पहल और सलाह पर आदरणीय लालू यादव जल्द ही अपने विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बहुत ही जल्द वर्चुअल मीटिंग को लेकर होने वाली बैठक को लेकर ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दें, लालू यादव कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे हैं। इससे पहले वो दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे थे।
तेजस्वी यादव पर जदयू नेता ललन सिंह ने किया पलटवार। बिहार की राजनीति में एक कहावत हमेशा से देखने को मिली है कि जब भी बिहार पर आपदा आती है तेजस्वी यादव गायब नजर आते हैं। इसी वाक्य को लेकर एक बार फिर से जदयू तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखी, जिसके तहत जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव किस बिल में छिपकर ट्वीट कर रहे हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक करें। बिहार की जनता जानना चाहती है कि संकट की घड़ी में तेजस्वी कहां है। ललन सिंह ने आगे कहा कि जब भी संकट आता है तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। जदयू नेता ने कहा कि बिहार में लॉकडाउन तमाम परिस्थितियों को देखकर ही लगाया गया है। मुख्यमंत्री पर सिर्फ आरोप लगा देने भर से कुछ नहीं होता है। बिहार की जनता आपको खोज रही है। आईपीएल के बचे हुए मैच को लेकर आईपीएल के चेयरमैन ने जारी किया अपना बयान। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच आईपीएल का आयोजन करवाया जा रहा था, हालांकि कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद अब दोबारा से मैच के आयोजन को लेकर आईपीएल के चेयरमैन ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बृजेश पटेल ने बताया है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को स्थगित करना बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन आईपीएल की चार टीम कोविड 19 की चपेट में आ चुकी थी और कुछ खिलाड़ी भी इसमें शामिल थे। वहीं मैच के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि सीजन के बचे हुए 31 मैच को या तो T20 विश्व कप से पहले कराए जाएंगे या फिर उसके बाद। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। भारत के प्रसिद्ध तैराक में से एक खजान सिंह का जन्म 1964 में आज के दिन हुआ। प्रख्यात विधवेता प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई ने 1946 में दुनिया को आज के दिन अलविदा कहा था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,280 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,280 रुपए था। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.35 रुपए प्रति लीटर था। सोनू सूद के घर के बाहर मदद मांगने के लिए इकट्ठा हुए लोग। कोविड 19 की दूसरी लहर भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। अब तक लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच अभिनेता सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। वो सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाले लोगों को न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि उन तक जल्द से जल्द मदद भी पहुंचा रहे हैं। वहीं हाल ही में कुछ लोग मदद मांगने सोनू सूद के घर पहुंच गए। एक्टर उन्हें भी निराश नहीं करते देखेगा और खुद गेट पर जाकर बात की। सोनू सूद के घर के बाहर का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सोनू सूद मदद मांगने आए लोगों को मदद का भरोसा दिलाते दिखाई दे रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम मांझी, शहबाज आलम, गौतम पंडित, रंजीत मेहता, रानी कुमारी, सोनू सम्राज ऑफिशियल, मुकेश कुमार पासवान, पवन कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, विकी कुमार, आलोक कुमार, पंकज कुमार, पवार, मयंक। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच आपके एरिया में लॉकडाउन के लिए जारी किए गए नियम और कानून का पालन हो रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।